एवरीवन, वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। तो आज मैं शिवांगी सिंह चौहान आपका सेकंड पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड सेशन सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो इससे पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, आज का वीडियो समझने से पहले आपको मेरी पहले की वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली देखनी पड़ेगी। उसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक चीज़ें हमको एक्सप्लेन की हैं, टैक्सोनॉमी एक्सप्लेन की हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और किंगडम मोनेरा तक हमारा हो गया था। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा और फंजाई और प्लांटी एनिमिलिया ये सारी किंगडम्स को पढ़ेंगे। मोनेरा हमारा हो चुका है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि पांच किंगडम्स होते हैं, फाइव किंगडम्स होते हैं, पहला मोनेरा है। मोनेरा के बाद अब हमारा आता है प्रोटिस्टा सॉरी प्रोटिस्टा आता है। तो प्रोटिस्टा देखिए, मोनेरा में मैंने आपको बताया था, पिछले सेशन में मैंने बताया था, प्रोटिस्टा ऐसा किंगडम है जो सिर्फ ऐसा इकलौता किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिसमें सेल वेल डिफाइंड सेल न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ मोनेरा किंगडम में आते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, यूकैरियोटिक सेल वाले आ जाएंगे। तो मतलब आपका जो प्रोटिस्टा है, इससे मतलब ये चीज़ें जो हम एक्सप्लेन करते हैं ना, डिफरेंस से हमें पढ़ना है कि ये सारे जो किंगडम्स हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो जब हम डिफरेंस पढ़ने लगेंगे तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आने लगेगी। जैसे हमने ये डिफरेंस समझ लिया कि मोनेरा यूकैरियोटिक है, मतलब प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें वेल मतलब मोनेरा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इससे हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता चल गया और एक दूसरे मतलब मोनेरा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और प्रोटिस्टा की, ये भी पता चल जाएगा। आपको ऐसे ही मिला के समझ के पढ़ना है, रट के नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा को हम गार्बेज कैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्बेज कैन, कूड़ादान, ठीक है। कि उसमें मतलब ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो जैसे हमारे पांच किंगडम्स हैं, ये मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया, ठीक है। तो हमें जिसमें डाउट लगा, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाउट लगा कि ये प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, जो जिसमें हमें डाउट लगा उसको हम किस में डाल दिए, प्रोटिस्टा में डाल दिए मोस्टली, ठीक। समझने के लिए इसको हम गार्बेज कैन भी कहते हैं, क्या कहते हैं गार्बेज कैन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मतलब जो नहीं आया किसी में, मतलब जिनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता, जो मतलब फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे एक चीज़ और है, आपका प्रोटिस्टा क्या है, आपका यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, क्या है, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर। पर ये जो यूनिसेलुलर मैं बोल रही हूँ, मतलब ये सिंगल सेल्ड के होंगे, ठीक। मोनेरा भी आपका क्या था, यूनिसेलुलर था, ठीक है। तो पर यहाँ पे ये डाइवर्सिटी ये दिखाएगा कि जो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये कई बार कॉलोनीज बना लेते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज बना लिए, ठीक है। तो जब कॉलोनीज बना लिए तो मल्टीसेलुलर हो गए। मल्टीसेलुलर आपका कैसे बनता है, जैसे आपका कोई सेल है, एक सिंगल सेल हो गई, ठीक है, ये सेल हो गई, ठीक। तो जब ये दो तीन सेल मिल गई आपकी, दो तीन सेल ये चीज़ आपकी मिल गई, तो ये टिश्यू बन जाता है ना, टिश्यू बन गया, मल्टी सेलुलर बन जाएगा, मतलब बहुत सारा हो जाएगा, फिर टिश्यू बन जाएगा। तो ये आपका मल्टी सेलुलर हो गया, यूनिसेलुलर है, अब ये मल्टी सेलुलर हो गया। मैं वही चीज़ बोल रही हूँ कि प्रोटिस्टा का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ये प्रोटिस्टा का यूनिसेलुलर है, ठीक है। फिर यही वाले का आपका दो तीन ये है, ठीक है, ये दोनों मिलके कॉलोनी बना लिए, ये हो गए। तो ये आप मतलब क्या हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, कुछ टाइम के लिए मल्टी सेलुलर हो गए। तो यही चीज़ है कि प्रोटिस्टा में बहुत मतलब इसीलिए इसको गार्बेज कैन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मतलब कोई फिक्स नहीं होती हैं, कुछ इसका पता नहीं है अच्छे से। अभी भी बायोलॉजिस्ट इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, इसकी अच्छे से मतलब डीप स्टडी नहीं हो पाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत अलग अलग मतलब दिखाते हैं, हैबिटेट दिखाते हैं, अलग अलग इनका सेल स्ट्रक्चर हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। पर यूजुअली मोस्टली ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, इसमें न्यूट्रिशन का मोड मोस्टली ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है ना, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है।
जैसे हमने मोनेरा में क्या पढ़ा था, इसमें ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक तो है ही, इसमें आपका मोनेरा में आपका कीमोट्रॉपिक और सिम्बायोटिक रिलेशन वाला भी आ जाता है। किसमें आ जाता है? मोनेरा में आ जाता है। तो प्रोटिस्टा में आपका क्या है? ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड है और यूनिसेलुलर है पर यूकैरियोटिक है। ये डिफरेंस हो गया मोनेरा और इसका, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है प्रोटिस्टा आपके किंगडम में, इसमें आपका लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए आपका ऑर्गेनोलीज आ जाती है, लोकोमोटरी ऑर्गेनोलीज आ जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला एंड सीलिया, ठीक है। किसी में फ्लैजिला होगा, किसी में सीलिया होगा, ये आपका लोकोमोटरी ऑर्गेनोलीज हो गया, मूवमेंट्री ऑर्गेनोलीज हो गया, ठीक है। जिससे हम लोकोमोशन या मूवमेंट करेंगे, मतलब घूमे चलना फिरना हो गया या एक जगह से दूसरी जगह जाना, सिंपल ये मूवमेंट के लिए हो गया, ठीक। तो ये आपके ऑर्गेनोलीज हो गए, जो कि मोनेरा में नहीं था अभी तक, ठीक है। मोनेरा में जनरली नहीं था, ये कहाँ से ऐड हुआ? प्रोटिस्टा में। तो ये आपको याद रखना है, प्रोटिस्टा का एक और ये डिफरेंस हो गया, फ्लैजिला और सीलिया ऐड हो गया, ठीक है। इसीलिए इसमें एक एग्जांपल है, आपको एक एग्जांपल प्रोटिस्टा का याद करना है, यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना को क्यों याद करना है? क्योंकि इसके अंदर आपका जो है, आपका एनिमल का भी कैरेक्टरिस्टिक है और प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक है। एनिमल का क्या कैरेक्टर, देखिए प्लांट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और दूसरा क्या है इसमें आपका? ये लोकोमेंट्री ऑर्गेनोलीज होगा, ठीक है। ये मतलब चल फिर सकते हैं। देखिए आपका प्लांट का एक क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास जो सेल वॉल होगी, सेलुलोज की होगी प्लांट की, या इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक। तो यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट भी है, तो ये प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और चल फिर कौन सकता है, एक मोशन कौन कर सकता है? प्लांट का भी मोशन करते हैं? नहीं करते, प्लांट स्टैटिक रहते, एक जगह पे रहते हैं। एनिमल्स ये हैं जो जनरली मोशन करते हैं, जैसे हम अपने हैंड को भी ऐसे करें तो ये भी एक मूवमेंट हो रहा, हम चल फिर नहीं रहे बट एक मूवमेंट हो रहा, हम अपने हाथ फिर कुछ हाथ हाथ को चला पा रहे हैं, अपने सर को घुमा पा रहे हैं, पैर से चल पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? मोशन हो गया, है ना। तो ये क्या, ये जो फ्लैजिला आपका ऐड हो गया तो ये आपका किसका कैरेक्टरिस्टिक बना देगा? एनिमल का। क्लोरोप्लास्ट ऐड हो गया तो ये प्लांट का। तो यूग्लिना जो एक है ये लिंक हो गया प्लांट और एनिमल के बीच में, ठीक। तो इसमें अब आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि इसको हम प्लांट में रखें कि एनिमल में रखें, तो वही मैंने बोला कि जो किसी में ना आए उसको आप प्रोटिस्टा में रख दो, ठीक। तो ये आपका क्या है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ठीक, यूग्लिना हो गया। सॉरी, और क्या इसमें आ जाएगा? अब इसके प्रोटिस्टा में आपका ये सारी चीज़ें आ गया। प्रोटिस्टा में हम और क्या इसका एग्जांपल पढ़ सकते हैं? डाइएटम्स। डाइएटम्स भी होते हैं, मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये होते हैं, इसका पैक जैसे कोई बॉक्स है तो उसको बंद करने कर दो, उसका नीचे वाला पार्ट है ढक्कन है उसको ढक दो, इस तरह का डाइएटम का कुछ स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोस्कोपिक के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कुछ, प्रोटिस्टा के अंदर ज़्यादा आपको ज़्यादा किस किंगडम के बारे में पढ़ना है? प्लांटी और एनिमीलिया, ये है प्लांटी और एनिमीलिया किंगडम के बारे में। आपको फर्दर बहुत सारा सब डिवीज़न है, प्लांटी और एनिमीलिया में हम बहुत फोकस करेंगे, प्रोटिस्टा में आपको ज़्यादा नहीं करना है। प्रोटिस्टा में आपके कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लेना, यूग्लिना डायटम्स ये हो गया कि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और एक चीज़ में लोकोमेट्री ऑर्गेनलीज आ जाती है, ठीक है, फ्लैजिला सीलिया, ये चीजें आपको प्रोटिस्टा में पढ़नी है। अब प्रोटिस्टा के बाद हमारा क्या आता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, सबसे जरूरी चीज ये, आप यूग्लिना नोट डाउन कर लो, ये चीज फ्लैजिला और सीलिया नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। डाई एटम इसका एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद हमारा कौन सा किंगडम आता है? फंजाई किंगडम आता है, डाई एटम्स, ठीक है। तो फंजाई क्या है? फंजाई को मतलब देखिए, अभी तक हमने क्या किया, हमारा क्या चल रहा था? यूनिसेलुलर चल रहा था। अब फंजाई के आगे हमारा क्या आ जाएगा? मल्टीसेलुलर, ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या हो रही है? बढ़ रही है, सिंगल सेल से मल्टीसेलुलर की तरफ हम जा रहे हैं। और यूकैरियोटिक तो रहेगा ही, मैंने आपको बताया था पहले सेशन में, ये जो चारों हैं ये क्या हो जाएंगे? यूकैरियोटिक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम कर देते हैं, आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा और
समझ भी आ जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक, मतलब इन सब में अब वेल डिफाइंड सेल न्यूक्लियस होने लगते हैं, ठीक है, इसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया में। अब ये जो फंजाई और प्लांटी हैं इनमें क्या हो जाएगा, अब मल्टी सेलुलर, ठीक, क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर सेल्स हो जाएंगे, और इनमें क्या रहेगा, यूनिसेलुलर, ठीक। इस तरह आप समझ सकते हो, ऐसे आप लिख के फ्लो चार्ट बना के दोनों में क्या क्या, किस में क्या क्या कॉमन चीज़ें, क्या क्या डिफरेंस है, आप ऐसे करके समझोगे, पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमारा कौन सा नेक्स्ट किंगडम है, फंजाई, फंजाई है, तो इसको हम, ये है देखिए, फंजाई क्या है, फंजाई मतलब आपका, मतलब ज़्यादातर आपका पानी में रहता है, ठीक है, पानी में रहने वाला मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये ज़्यादा फंजाई होते हैं। और क्या है, ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब किसमें रहते हैं, सॉरी फंजाई आपका, मैं दूसरा बता दिया एल्गी का, तो ये आपका सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये आपके डिकेड एनिमल्स, डिकेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, मतलब न्यूट्रिशंस के लिए आपके डिकेड उसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये जो जो चीज़ें मृत हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, उनके ऊपर ये रहते हैं और वहीं से अपना खाना लेते हैं, ठीक। तो फंजाई का ये काम हो गया, और क्या हो गया, इनकी जो, इसमें एक और क्या आपको समझना है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चिटन की बनी होती है, किटन आप जो प्रोनाउंस करना चाहो, चिटन, किटन, ठीक है, तो किटन की बनी होती है, ये सेल वॉल बनी होती है, ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटन, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, फंजाई में ये डिफरेंट हो गया, क्या हो गया, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, हैविंग चिटन मेड सेल वॉल, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, किसका, फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और क्या, ये सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं, ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशन मैंने और एक जगह मतलब यूज़ किया है, आप पिछले सेशन में देख रहे हो तो आपको समझ आएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन आपका मोनेरा किंगडम में भी यूज़ हुआ है, ठीक। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है ये किसके साथ, आप एक वर्ड मैंने पिछले सेशन में भी यूज़ किया था, लाइकेन, ये आप याद रख लो, ये मतलब देखिए, एक इससे आपको खाना, एक रहने की जगह देगा और एक खाना देगा, तो ये जब म्यूचुअल मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग हो गई दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा, कि दोनों से हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं, एक से कुछ ले रहे हैं, एक से कुछ, एक ऐसा भी होता है मतलब आप सिर्फ रह रहे हो, किसी को कुछ आप बेनिफिट नहीं दे रहे हो, आप देखो, एक तो आपका ये सिस्टम हो गया कि आप दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हो, दोनों एक दूसरे को कुछ हेल्प कर रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है दोनों को, ठीक है, एक क्या हो जाएगा कि मतलब एक प्रॉफिट दे रहा है और कुछ लॉस नहीं हो रहा दूसरे वाले को, एक में क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट ले रहा है और उसको बदले में लॉस करा रहा है, तो ये हो गया आपका सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाएगा। लाइकेंस इसमें आपका होता है एल्गाई और जो एल्गी और जब फंगाई का जो साथ में रहते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। लाइकेंस का एक चीज़ और आपको याद रखना है, लाइकेंस क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। अब पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे हो जाएंगे, ये देखिए, जब आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा ना, सिंपल समझना है, इनका मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन आप समझो, इन्वर्स प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं, इन्वर्स रिलेशन होता है कि लाइकेंस जब आपका बढ़ेगा तो मतलब आपका पॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। जब पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो लाइकेंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया लाइकेंस का। तो अभी हमने दो किंगडम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रोटिस्टा और फंजाई। प्रोटिस्टा क्या हो गया, यूनिसेलुलर, आप यूनिसेलुलर आपका यूकैरियोटिक हो गया, और फंजाई क्या हो गया, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक, दोनों क्या है, यूकैरियोटिक है, दोनों यूकैरियोटिक ये है, ठीक है, यूकैरियोटिक, पर एक क्या है, यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है, ठीक है। ये प्रोटिस्टा का आपका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लेना डाइएटम्स, इसका आप लाइकेंस याद कर लो, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट लाइकेंस का ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ठीक। अब क्या है, अब नीचे आता है आपका प्लांटी, प्लांटी मैं इसलिए स्माइल कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मतलब एक किंगडम हो गया, प्लांटी और एनिमिलिया बहुत ही बड़ा किंगडम है, तो हम इसको अब प्लांटी और एनिमिलिया करेंगे। तो प्लांटी और एनिमिलिया देखिए, जो ये एनिमल्स प्लांट्स में क्या, प्लांटी में क्या आ जाएगा, सारे प्लांट्स आ जाएंगे, मल्टी सेलुलर जो प्लांट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है, और एनिमल्स में क्या आ जाएगा, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स आ जाएंगे जो आपके यूकैरियोटिक होंगे और मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है।
और क्या है, देखिए प्लांटियम में आ गए, प्लांटी जो प्लांट्स एनिमल है, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, थोड़ा बहुत आप आधा कर भी लेंगे हो जाएगा, तो नहीं तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जो प्लांटी है इसकी सबसे आपको क्या याद रखना है, जो भी प्लांट्स होंगे, ठीक है, जो भी प्लांट्स होंगे उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, क्या कॉमन होगी, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक, क्या होगा, होगा क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट है, और आपको पता है कि ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इन्हें कहीं से बाहर से रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, इनको सिर्फ लाइट की ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, ठीक है, तो इनके ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, और इसमें एक चीज़ और क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, आपको यहाँ से दो वर्ड मिल गया, सेल्यूलोज एंड क्लोरोप्लास्ट, इससे आपको ये जहाँ आ जाए दोनों साथ में किस किंगडम में आएगा, प्लांट किंगडम में आएगा, ऑटोट्रॉपिक होते हैं हमेशा, प्लांट्स हमेशा आपके ऑटोट्रॉपिक होंगे, ठीक, तो इसमें हम समझते हैं, हम देखिए प्लांट्स का पहले जो हम डिवीजन करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, कि देखिए प्लांट्स जो आपके अलग अलग होते हैं, किसी में आपके सीड होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, मतलब प्लांट विदाउट सीड और प्लांट विद सीड, प्लांट बियरिंग सीड, है ना, तो जो प्लांट विदाउट सीड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैमस कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैमस, ये आप क्रिप्टोगैमस ये पूछ लेता है एग्जाम में आपको, क्योंकि ये मतलब जनरली आपको पता नहीं होता है, ये टर्म आपको समझना है, मतलब सिंपल समझिए इसको, ज़्यादा आपको कुछ इसमें ज़्यादा अंदर को घुस के करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही वर्ड समझो, प्लांट विदाउट सीड्स क्या हो जाएंगे, क्रिप्टोगैमस, इसके फर्दर फिर आपके डिविजन्स है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, वो हम देखेंगे, तो क्रिप्टोगैमस हो गया, और इधर क्या हो जाएगा आपका, फिनेरोगैमस, ठीक है, फिनेरोगैमस क्या होता है, इसको हम स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, फिनेरोगैमस या स्पर्मेटोफाइटा, ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स बियरिंग सीड्स होते हैं, क्या मतलब, इसमें प्लांट्स में क्या होंगे, सीड्स होंगे, बीज होंगे, ठीक, तो ये आपका फेनेरोगैमस हो गया, स्पर्मेटोफाइटा हो गया, इसको भी मैं लिख ही देती हूँ, गया फेनेरोगैमस और मतलब देखिए ये तो दो हो गया, अब इसको हम और भी क्या कर देते हैं, स्पर्मेटोफाइटा, ठीक, फाइटा किसके लिए यूज होते हैं, प्लांट्स के लिए टर्म यूज होता है, ठीक, तो ये डिवीजन हो गया, प्लांट्स का हम ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक, दो पार्ट्स में, ये क्या हो गया, प्लांट्स विदाउट सीड्स, ठीक है, और प्लांट्स बियरिंग सीड्स, ठीक है, ये हो गया, अब इसमें सब डिवीजन हम करते हैं, ठीक, तो इसमें आपका आ जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो मैं अभी आपको एक ऐसे सिंपल बता देती हूँ, मैं लिखूंगी भी, पर अभी समझो आप, थैलोफाइटा क्या हो जाएगा, थैलस लाइक बॉडी होगी, ठीक है, और इसमें क्या आते हैं, एल्गी आते हैं ज़्यादातर, एल्गी आते हैं, ठीक है, एक चीज़ और, एल्गी आपको मतलब सब में देखने को मिल जाएगा मोस्टली, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, सब में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो देखिए एल्गी जो है, जो आपका क्या होगा, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जो होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में जाएंगे, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा में जाएंगे, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांटी में आ जाएंगे, सिंपल है, ये मैं सोचना, अरे मैंने यहाँ पे एल्गी लिख दिया तो ये थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आएगा, ठीक है, तो ये तो उस पहले भी था, मोनेरा में भी है, प्रोटिस्टा में भी है, नहीं सब में, देखिए तभी ना कोई फिक्स नहीं है आपका डिवीजन, ये हम अपने मतलब पढ़ाई को सिंपल करने के लिए कर देते हैं, पर कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, हर जगह आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, और इसका तो मतलब लॉजिक भी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो आपका सिंगल सेल्ड होगा यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जो होंगे वो किस में जाएंगे, मोनेरा में जाएंगे, फर्स्ट किंगडम, ठीक है, सिंपलेस्ट किंगडम, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किस में जाएगा, प्रोटिस्टा में जाएगा, और मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक किस में चला जाएगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, प्लांट में चला जाएगा, प्लांटी में चला जाएगा, ठीक है,
तो ये हो गया, ठीक है। तो थैलस के अंदर हम एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी के भी अभी हमें पार्ट पढ़ना है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसको मैं अभी पढ़ाऊंगी अभी। और क्या है, ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा मतलब आपको इम्पॉर्टेंट टर्म इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा मतलब ऐसा वो है, डिवीजन है, सब डिवीजन है जिसमें मतलब हम जिसको किस टर्म से भी जानते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या है ब्रायोफाइटा? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन। एम्फीबियन से क्या मतलब समझे? एम्फीबियन से मतलब समझे जो आपका वो भी है, सॉइल में भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियन, तो ये कौन है आपका? ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा ये इस उसमें जो आते हैं, इनको हम इस टर्म से भी कहते हैं, सिनोनिम्स इसको कह देते हैं। या आपको ये क्वेश्चंस बहुत, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप प्लीज नोट डाउन कर लो। ब्रायोफाइटा आपका क्या है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, एम्फीबिया उसमें आता है, एनिमल किंगडम में है, हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रायोफाइटा आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा? आपका टेरिडोफाइट आएगा। देखिए टेरिडोफाइटा जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका वस्कुलर सिस्टम मतलब वेल डेवलप्ड हो जाता है। वेल डेवलप्ड मतलब हो जाता है, क्या मतलब? ये टर्म आपको यहाँ से मिलने लगेगा, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ से मतलब किस कैटेगरी से स्टार्ट हो जाता है, आपको ये याद रखना है, ये टेरिडोफाइटा से। देखिए आपसे ये अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें किसमें मिलता है। जैसे आपको ऑप्शन आ गया यहाँ टेरिडोफाइटा और आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और कोई एक दूसरा ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इन तीनों में आपका ये वस्कुलर सिस्टम रहेगा, ठीक है। अगर उसमें क्वेश्चन दे दिया मतलब आपका टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में नहीं होता वेल डेवलप, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। स्टार्ट कहाँ से हुआ? टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि मतलब किसमें रहता है और किसमें पहले मतलब सबसे पहले कैटेगरी कौन सी आया, तो वो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। रहता तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में भी है, पर आया सबसे पहले किसमें आया? आपका टेरिडोफाइटा में आया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इधर साइड प्लांट बियरिंग, ये आएगा सीड्स आएगा, पेनरोगेमस आएगा। प्लांट्स बियरिंग सीड्स में जो प्लांट्स आते हैं उसमें कौन कौन से? दो फिर सब डिविजन हुआ है, फिर दो सब क्लास बनी है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म से क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए आप डिफरेंस लेके समझो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते, ठीक है, नेकेड सीड्स होती हैं। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होंगे, सीड्स हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगी, सीधे आंख से नहीं दिखेगी, ठीक है, छुपी हुई होगी। जिम्नोस्पर्म में हमें दिख जाएगी, बाहर ही होगी, मतलब सीड्स जो होंगी वो हमें नेकेड आई से दिख जाएंगे, हमें वो खोलने तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उसमें फ्लावर्स नहीं होंगे। तो ये आपका एक मतलब क्लू हो गया आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए हम क्या पहले पढ़ेंगे, यहाँ पे आपका है थैलोफाइटा, ठीक है, थैलस लाइक बॉडी, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में मैंने आपको बताया था एल्गी आएगी, तो एल्गी का हम चार पार्ट्स करेंगे। एल्गी का आपका चार पार्ट्स किस हिसाब से करने? उनके कलर के हिसाब से करने। देखिए कलर्स जब आपके आते हैं प्लांट्स में तो आप ये मत सोचो कि मतलब ये जो पिगमेंट्स हैं ये आपका इस वजह से है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल से ग्रीन कलर आता है ना। तो क्लोरोफिल तो सब प्लांट्स में रहेगा, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो आपका प्लांट है इसमें आपका क्लोरोफिल, हाँ ये क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी होता है सब में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल होगा, ठीक। तो क्लोरोफिल तो सब प्लांट्स में होगा, ठीक, क्लोरोफिल, ठीक। उसके साथ साथ और भी कोई पिगमेंट अगर जुड़ जाता है तभी प्लांट का कलर आपका चेंज होता है, ठीक। तो एल्गी आपको तीन चार कलर के मिल जाती हैं, ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्राउन, रेड एल्गी, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए जो आपका हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे आपका थैलोफाइटा, ठीक है, थैलस लाइक बॉडी होती है इनकी, ठीक। फिर क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइटा। फिर क्या आ जाएगा? टेरिडोफाइटा। इनके बीच में हमें डिफरेंस पता चल गया है।
क्या पता चल गया है इसमें? तो सबसे पहले आप टेराडोफाइटा देख लो, टेराडोफाइटा में आपका क्या हो जाएगा, इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो जाएगा, जाइलम फ्लोएम आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे करके प्रेजेंट, ठीक, इसमें मतलब अब्सेंट है। और क्या है इसमें आपकी, क्या आ गई, एल्गी आ गई। अब एल्गी के हम जो चार डिविजन्स है वो लिखते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, फाइकोफाइसी या फियोफाइसी, रूडोफाइसी एंड साइनोफाइसी। सॉरी, ये सारी आ गई। तो जो क्लोरोफाइसी होगी, क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरोफिल बस है, ठीक, क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो ये ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। जब आपका सिर्फ क्लोरोफिल पिगमेंट होगा तो आपका एल्गी का कलर ग्रीन आएगा। तो इस जो इसमें आते हैं, इसमें इस सेगमेंट्स में जो प्लांट्स आते हैं उसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स नहीं, एल्गी जो आते हैं, एल्गी टर्म हम कर दिए, एल्गी का पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो इसको हम क्लोरोफाइसी कर दिए। उसको बाद उसके बाद आपका आ गया फियोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी, फाइसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ब्राउन, ब्राउन कलर आएगा इसमें, ब्राउन एल्गी होती है, ठीक है। ये हम ब्राउन एल्गी इसी की वजह से बोल रहे हैं, इनके मतलब इन ये दिखते कैसे, किस कलर के दिखते, इसी हिसाब से हमने ब्राउन, ब्राउन ग्रीन रेड एल्गी करी है, तो सिंपल है। फियोफाइसी आपका किस वजह से होता है, फियोफाइसी में फ्यूको, फ्यूको जैंथिन होता है, फ्यूको जैंथिन, फ्यूको, फ्यूको जैंथिन, ये पिगमेंट की वजह से आपका ये कलर आता है। फ्यूकोजेंथिन जो है, ये फ्यूकोजेंथिन अकेले नहीं होता, क्लोरोफिल होगा ही, एक चीज़ मैंने आपको बोली ना, ये कॉमन होगा, क्लोरोफिल सारी एल्गी में होगा, सारे प्लांट्स में होगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल तो है ही, पर क्लोरोफिल के साथ क्या है, सी में लिख देती हूँ, क्लोरोफिल प्लस फाइकोजेंथिन जब है तब आपका क्या कलर आएगा, एल्गी का ब्राउन कलर आएगा। और उस मतलब डिविजन में उस प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ये फाइकोफाइसी या फियोफाइसी, फियोफाइसी हम कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रूडोफाइसी, रूडोफाइसी से आपको ये याद रखना है आर है, ठीक है, रूडोफाइसी आर है, रेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए रूडोफाइसी, ठीक है, तो रेड एल्गी, ठीक। इसका कलर किसकी वजह से आता है, इसका कलर आपका आता है फाइको, देखिए फाइको, फाइको जो आ गया आपका टर्म हो जाएगा प्लांट्स के लिए। आप देखिए साइन इन अभी हम करेंगे उसके लिए, साइनोफाइसी के लिए, साइनोफाइसी आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। तो इरोथ्रीन होता है, इरोथ्रीन क्या है, इरोथ्रीन जो है वो रेड कलर आपको देता है, इरोथ्रीन जो पिगमेंट है वो आपको रेड कलर देगा। तो फाइको इरोथ्रीन, कौन सा, फाइको इरोथ्रीन, ठीक। तो ये जो है ये आपको ये रेड कलर देता है, रेड पिगमेंट के लिए, ठीक है, ये रेड पिगमेंट है। और ये प्लांट्स मतलब जिनका कलर क्या है, रेड कलर का है। तो फाइको इरेथ्रीन, जिस भी प्लांट का एल्गी की बस बात नहीं है, जिसमें भी अगर रेड कलर आपको दिख रहा है, तो ऐसे ही कुछ पिगमेंट्स अलग से होंगे क्लोरोफिल के साथ, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी प्लस, क्लोरोफिल प्लस फाइको इरेथ्रीन रहेगा, तो इसका आपका क्या एल्गी कलर आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। अब क्या है, साइनोफाइसी, ठीक है, साइनोफाइसी। अब इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, फाइको की जगह आपको साइनिन कर लेना है, यहाँ पे इरेथ्रीन है तो यहाँ पे साइनिन, मतलब फाइको साइनिन जब है आपका, साइनिन जब है तो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, ठीक। क्या आएगा ये, यहाँ पे हमें नहीं लिखना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने आपको पहले भी पता होगा, कहीं आया है, मुनेरा में आया है, प्रोटिस्टा में आया, ठीक है, तो वो यूनिसेलुलर होगा या फिर प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक का है। तो साइनो ये पार्ट हो गए आपके एल्गी के, हो गए कौन से, हो गए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी एंड साइनोफाइसी। क्लोरोफाइसी फॉर ग्रीन एल्गी, और आपका ये जो है फियोफाइसी फॉर, फियोफाइसी फॉर ब्राउन एल्गी, और ये रूडोफाइसी फॉर रेड एल्गी एंड साइनोफाइसी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसका आप देखिए जो ये है फियोफाइसी है, इसका आपका आ जाएगा एग्जाम्पल ल्यूकस, ठीक है, फ्यूकस, सॉरी फ्यूकस आ जाएगा इसमें, फ्यूकस आ गया, और क्या आ जाएगा, लेमिनेरिया, इसके एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड लेमिनेरिया,
ये जो वो है एल्गी हैं, ये कौन सी होती हैं? ब्राउन एल्गी होती हैं। इसमें साइनोफाइसी का सिंपल है, जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गी होंगी वो सारी आप इसको एग्जांपल में लिख दो। इसको आप मतलब लिखो एग्जांपल, टर्म्स मत लिखो कि इसके नेम क्या है पर्टिकुलर, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है, एक रूडोफाइसी में पेरफेरी, पेरीफेरी या पेरफेरी आप जो भी टर्म करो, पेरफेरी आ जाता है इसमें, PERPHYRA, ठीक है, पेरफेरी एल्गी आ जाएगी जो नाम है इसका। ये रेड होती हैं तो इसको रूडोफाइसी इसमें हम रखते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा के अंदर आएंगे। थैलोफाइटा में एल्गी आई, एल्गी के चार पार्ट हुए, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी एंड साइनोफाइसी, ठीक। चार कलर होते हैं इनके, ग्रीन, रेड, ब्राउन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। इन सारे में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं कलर के लिए, ठीक। प्लस जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल प्लस अलग अलग जो पिगमेंट्स होते हैं आपका, ठीक है, तो इसकी वजह से आता है। उसके बाद आपका क्या आएगा, ब्रायोफाइटा आएगा, ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्या होता है, एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होता है, ठीक है। तो ये एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हो गया, इसमें आपका क्या हो जाएगा, यही है, ये इसके अंदर है ना आपका, इसके अंदर प्लांटी के अंदर है, तो ये भी यूकैरियोटिक होगा और मल्टी सेलुलर होगा, ठीक। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें एक चीज़ और पढ़ लेनी है आपका, इसमें हो जाता है लीवरवर्ट्स हो जाता है, मोजेस हो जाता है, ठीक। लीवरवर्ट्स एंड मोजेस इसका डिवीजन हो जाएगा, इसमें यही चीज़ याद कर लेनी है आपको। लीवरवर्ट्स में मतलब एग्जाम्पल जो आपका हो जाएगा मार्केंशिया, ठीक है। मार्केंशिया को आपको कैसे याद करना है, देखिए आपका ये ब्रायोफाइटा में दो एग्जांपल पार्ट हो गए, लीवरवर्ट्स एंड क्या हो गया, मोजेस, ठीक है। तो लीवरवर्ट्स में आपका मार्केंशिया, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ट्राइंगल शेप का कुछ ऐसे होता है, जैसे मतलब ऐसे बना होगा, ये ऐसे लीव्स होंगी, तो ये आपका ये ट्राइंगल टाइप का नहीं दिख रहा, ये मतलब तीन ही है, तो ये ट्राइंगल शेप के होते हैं थोड़े। आपको ऐसे समझने के लिए ये आता नहीं, आप एग्जांपल से याद करो, लीवरवर्ट्स होते हैं, मोजेस होते हैं, लीवरवर्ट्स का एग्जाम्पल मार्केंशिया हो गया, मोजेस का एग्जाम्पल फ्यूनेरिया हो गया, ठीक। ये हमने ब्रायोफाइटा में कर लिया है। ब्रायोफाइटा में और जो चीज़ें बची हैं वो मैं आपको फिर आप बताना कमेंट बॉक्स में, बताना क्या बचा है और आपको क्या क्या करना है। मुझे जो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में से जो जो समझ में आता है वो मैंने करा दिया है। आपको जो जो और अलग से समझना है, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, उसमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम होते हैं। कौन से, एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, ठीक है। ब्रायोफाइटा एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रेडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, यही दोनों इवॉल्व होते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है कि ब्रायोफाइटा से क्या आपको आ गया है, सेक्स ऑर्गन सेपरेट सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। तो अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स बन गए जिनका आपको नाम याद कर लेना है, एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, लीवरवर्ट्स एंड मोजेस याद कर लेना, उनके एक एग्जाम्पल से याद कर लेना है। और अब हम बढ़ते हैं टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में देखिए इसमें क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, स्पोर जो होता है, स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर स्टोरेज होता है, ठीक है। तो स्पोर से यहाँ पे रिप्रोडक्शन भी होगा, ये जो एंथ्रेडियम से, तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगा, स्पोर से रिप्रोडक्शन आपका होगा। तो स्पोर से रिप्रोडक्शन से आपको एक चीज़ और तीन टर्म याद कर लेना है, आइसोगैमस, ओगैमस एंड एनआइसोगैमस, ठीक है। आइसोगैमस क्या होता है, जब आपके जो गैमेट्स हैं, ठीक है, आपके गैमेट क्या होते हैं, वही सेक्स ऑर्गन से जो मतलब गैमेट्स निकलते हैं, फीमेल गैमेट मेल गैमेट, ठीक है, यही फ्यूज होके फ्यूजन होगा दोनों के बीच में और आपका नया जो आपकी ऑफस्प्रिंग है वो उससे बनती है, प्लांट्स में बनेगी, जो भी जिसमें भी बनती है एनिमल प्लांट्स में, तो उससे बनती है, गैमेट्स आपका फ्यूजन होगा, ठीक। तो जब जो दो गैमेट्स हैं, मेल फीमेल गैमेट्स हैं, जब दोनों की साइज सेम होंगी तो वो क्या होगा, आइसोगैमस होगा। क्या होगा आपका, वो होगा, यहाँ पे मैं इस कर देती हूँ थोड़ा सा, आपका इतना पार्ट ले लेते हैं, आइसोगैमस, ठीक है, आइसोगैमस। जब क्या होगा, सेम साइज होंगी गैमेट्स की, जब सेम साइज होंगी तो वो क्या हो जाएगा, आइसोगैमस। जब आपकी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होंगी, मतलब दोनों की सिमिलर साइजेस नहीं होंगी, तो वो ओगैमस हो जाए, एन आइसोगैमस हो जाएगा। और ओगैमस क्या हो जाएगा,
ओगैमेट्स वो हो जाएगा जिसमें आपका फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज है, बड़ा है, ठीक, बट वो इमोटाइल है, मतलब वो चल फिर नहीं सकता, इमोटाइल है, ठीक है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो मोटाइल है, ठीक है, मतलब मूवमेंट कर सकता है और साइज में छोटा होगा। फीमेल गैमेट बड़ा होगा, इमोटाइल होगा, मेल गैमेट आपका स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, फीमेल गैमेट लार्ज होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया आइसोगेमस, ओगेमस एंड एनाइसोगेमस, ठीक। और अब हम क्या पढ़ लेते हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में वही पढ़ने, आपको जाइलम फ्लोएम आपको बता दिया कि इसमें जाइलम फ्लोएम आ जाते हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है टेरिडोफाइटा में, बस आप इसके पार्ट्स याद कर लो। इसके चार सब डिविजन कर दिया गया है टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा का आपका चार सब डिविजन हो गया है। आपका क्या क्या डिविजन हो गया इसमें, सिलोपसिडा हो जाता है, सिलोपसिडा हो गया, लाइकोपसिडा हो गया, और क्या हो जाएगा, फीकोपसिडा हो जाएगा, एंड टेरिप्सिडा हो जाएगा, टेरिप्सिडा, ठीक है। तो ये चार पार्ट्स हो जाएगा, सिलोपसिडा क्या हो जाएगा, सिलोपसिडा हो गया, ठीक। तो देखिए इसका आपको एग्जांपल मतलब मिल जाए तो आप कर लो, नहीं तो देखिए सिलोपसिडा का सिंपल एग्जांपल है, उसके आगे आप यूएम लगा दो, सिलोपसिडियम, ये आपका एग्जांपल बन गया सिलोपसिडा। सिलोपसिडा आपका इसका पार्ट हो गया, मतलब इसको डिवीजन कर दिया गया है, सिलोपसिडा इसका एग्जांपल हो जाएगा, आप इसको यूएम आगे लगा दो, ये हो जाएगा सिलोटम हो गया आपका, टीएम लगा दो, सिलोटम हो गया। फिर लाइकोपसिडा का क्या हो जाएगा, लाइकोपसिडा का लाइकोडियम हो जाएगा, लाइकोडियम इसका एग्जांपल हो गया। फिर क्या है, फिकोपसिडा हो गया, फिकोपसिडा पहले लाइकोपसिडा है, लाइकोपसिडा का क्या हो जाएगा, लाइकोपसिडा, ठीक है, लाइकोपसिडा का हो जाएगा लाइकोपसिडियम, ठीक, ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक, टेरोप्सिडा का। देखिए आप अगर ऐसे नहीं याद कर सकते तो सिंपल टेरोप्सिडा का क्या एग्जांपल हो गया, ये हो जाएगा सिलोपसिडम हो गया, लाइकोपसिडम हो गया, और क्या हो जाता है, एक एग्जांपल हो जाता है आपका इक्विसेटम हो जाता है। इक्विसेटम किसका एग्जांपल है, फीकोसिडम का, फीकोसिडम का एग्जांपल हो गया आपका इक्विसेटम हो गया। फिर लास्ट में आ जाता है टेरोप्सिडा, फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल आप इसको डिविजन्स पढ़ लो कौन कौन से मैंने आपको बोला है, इसका नाम आप लिख लो, लाइकोपसिडा हो गया आपका, सिलोपसिडा हो गया, फीकोपसिडा हो गया, टेरोप्सिडा हो गया, इसका ये लिख लो। इसमें एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होता है, इसमें स्पोरोफाइला प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोफाइला प्रेजेंट होता है। स्पोरोफाइला का काम क्या है ये याद कर लो कि क्या करता है, मतलब देखिए स्पोर्स को ये रखता है ना स्पोरोफाइला, इसमें एक स्ट्रक्चर आ गई जो स्पोर्स को स्टोर करने के लिए होता है। तो ये आपका सिंपल हो गया, आपका कौन से हम कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तक कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया। तो आज हमने क्या पढ़ा ये एक रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक। तो पहले तो प्रोटिस्टा, ठीक, प्रोटिस्टा क्या हो गया आपका, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, फंगाई मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, प्लांटी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ये चीज़ें हमने आज आपकी पढ़ी हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कि ये पढ़ना है कि इसमें लोकोमेट्री ऑर्गेनलीज होती है, फ्लैजिला सीलिया, ठीक। और आपको क्या पढ़ने लेना, फंगाई में ये पढ़ लेना है कि इसकी जो सेलवाल होती है वो चिटन की या किटन की बनी होती है, जो भी आप टर्म कर लो, ठीक है। तो वो हो गया आपका फंगाई में हो गया आपका, और क्या आप ये सेप्रोफाइटा होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं फंगाई, ये आपको याद रखना है कि दूसरे डिकेट्स ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं और मतलब न्यूट्रिशन के लिए बेस्ड होते हैं, ठीक है। आपको ये जो ये हो आप, और क्या आ जाएगा आपको प्लांटी में, प्लांटी में आपके दो डिवीजन, पहले क्रिप्टोगैमस हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा फेनेरोगैमस या स्पर्मेटोफाइटा हो जाएगा। जो आपका क्रिप्टोगैमस है ये क्या होता है, विदाउट सीड बियरिंग, और इधर वाला फेनेरोगैमस क्या हो जाएगा, सीड बियरिंग प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। क्रिप्टोगैमस में आपके जो अभी मैंने पढ़ा, जितने आज हम लोगों ने क्रिप्टोगैमस बस कंप्लीट किया, ठीक है। आपका जो ये है स्पर्मेटोफाइटा या फेनेरोगैमस जिसे हम कहते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपका क्रिप्टोगैमस में कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा हमने पढ़ा है। अब फेनेरोगैमस में क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ठीक।
तो ये आपका रिवीजन हो गया। आप इसके एक एक आप सब एग्जांपल याद कर लो, जो मैंने बताया वो याद कर लो, अच्छे लगे नहीं तो अपने से याद कर लो। यही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ज़्यादा आपको डिटेल में कुछ नहीं पूछता है। जो आप अगर नीट वगैरह दोगे तो उसमें तो पूरा ही पूछता है, डिटेल में पूछता है। पर जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब आपके सिविल सर्विसेज़ के जो होते हैं, ये बाकी के जो होते हैं, जो बायो बेस्ड एकदम नहीं होते हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में आपका नहीं पूछता है। मेन मेन चीज़ें आप पढ़ लो, आपको समझ होनी चाहिए क्या क्या है, कौन कौन से डिवीजन है, कौन कौन से किंगडम है, उसके एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेशन में प्लांट का जो बचा है आपका फेंड्रोगैमस स्टार्ट करेंगे और एनिमिलिया ख़त्म करेंगे। तो आपको जो अच्छा लगा आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारा मोटिवेशन होता है उससे। और जो आपको ऐड करवानी है चीज़ें वो आप प्लीज़ आप मेंशन करिए, हम कोशिश करेंगे उसको ऐड करने की। और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।